लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी सिक्स असेंबली और सिक्स डिसअसेंबली ड्राइंग है, ठीक है। तो उस असेंबली और डिसअसेंबली के अंदर हमें जब सैंपल पेपर देखा तो उसके अंदर फ्लैंज पाइप जॉइंट की डिसअसेंबली आई, ठीक है, सैंपल पेपर में। तो वो फ्लैंज पाइप जॉइंट फिर हमने डिस्कस भी किया था, तो अभी मैं उसी के बारे में ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी ओंकार? यस सर। ओके, तो ये हमारा डिसअसेंबली ड्राइंग है फ्लैंज पाइप जॉइंट की। इसमें क्वेश्चन है, द फिगर शोज पार्टली द असेंबली ऑफ ए फ्लैंज पाइप जॉइंट। डिसअसेंबल मतलब असेंबली दिखाई हुई है, डिसअसेंबल द पार्ट्स करेक्टली एंड देन ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज टू अ स्केल 1:1। 1:1 मतलब हमें पता है फुल साइज स्केल होता है। कीप द सेम पोजिशन ऑफ द पार्ट विद रिस्पेक्ट टू HP एंड VP, मतलब हमने किसी भी पार्ट की पोजिशन को चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे रखना है। इसमें बनाना क्या क्या है, फ्रंट व्यू ऑफ द फ्लैंज्ड बी शो द अपर हाफ इन सेक्शन एंड साइड व्यू एज सीन फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। जो फ्लैंज बी है उसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है जिसमें अपर पार्ट को सेक्शन करना है, और उसका साइड व्यू बनाना है लेफ्ट से देखते हुए। सेकंड क्वेश्चन इसी में है, फ्रंट व्यू ऑफ द स्क्वायर हेड बोल्ट, जिसमें स्क्वायर हेड बोल्ट है उसका फ्रंट व्यू बनाना है एंड इट्स साइड व्यू एज सीन फ्रॉम द राइट। तो हमने ये बोल्ट की प्रैक्टिस की थी, बोल्ट हमने फर्स्ट टर्म में कर लिया है। उसके बाद प्रिंट टाइटल एंड स्केल यूज, अभी इनके मार्क्स होते हैं, अगर ये लिखा हुआ है प्रिंट टाइटल एंड स्केल यूज इनके मार्क्स हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन सिंबल, इसका भी मार्क्स है एक एक नंबर के। और सिक्स इंपॉर्टेंट डायमेंशन देनी है, यानी कि तीन नंबर डायमेंशन के ही हैं इसके अंदर हमारे, तो टोटल 28 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास कंप्लीट पिक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट पिक्चर है। मेरा एरो हेड नजर आ रहा है आपको, ये एरो नजर आ रहा है मेरा, कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है ओमकार? यस सर। ओके, तो सभी को आ रहा होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये फ्लैंज बी है, दिस वन इज द फ्लैंज बी, ठीक है, ये फ्लैंज ए है इस तरफ। तो हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। ये कन्वेंशन होता है कटिंग ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, उसकी कटिंग का ये मैंने आपको बताया था, दिस इज द कन्वेंशन। तो इसका मतलब इसकी लेंथ लंबी हो सकती है लेकिन उसको छोटा ही रखना है हमें। अब इसके अंदर डिफरेंट डायमीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। डायमेंशन पहले, इस डायग्राम का मेन काम है कि हमें इसकी शेप देखनी है और डायमेंशनिंग देखनी है यहाँ से हमें, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा एक ये 40 mm का डायमीटर है, ठीक है। ये 40 mm डायमीटर बेसिकली जो इंटरनल डायमीटर है ना पाइप का वो है। फिर एक ये 50 mm का डायमीटर है, ये पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। फिर ये 130 का डायमीटर है, 130 mm का डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पूरा फ्लैंज का आउटर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे दूर है, उसका डायमीटर दे रखा है, ठीक। फिर यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये एक 70 का डायमीटर है, यानी कि ये वाला, ये 70 का डायमीटर हो गया, और एक 100 का डायमीटर है ये। तो हमें बेसिकली सारी डायमेंशनिंग को देख के चलना है, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है ये आपको यहाँ से पता चल गया 25 mm की है। इसकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm की है। यहाँ पर फोर होल्स हैं जिनका डायमीटर 10 है, एक होल यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया,
एक यहाँ हो गया और एक इसके बिल्कुल अपोजिट बैक साइड पे होगा, ठीक है, इसलिए उसने लिख दिया 4 वोल्ट नहीं। तो यहाँ से हमने डायग्राम, सारे डायग्राम से हमने बेसिकली सारी डायमेंशनिंग लेनी है। ये हेड जो स्क्वायर हेड है उसकी विड्थ है 8 8 की, टोटल लेंथ भी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, मतलब आपको सारी डायमेंशनिंग यहाँ पे मिलेगी। देखो बोल्ट की 10 mm की बोल्ट नट है, सॉरी, ठीक है, और इसके बाद जो जितना आगे निकल रहा है 5 mm आगे निकल रहा है वो भी, तो यहाँ से सारी डायमेंशन आपको मिलेगी। स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करने के लिए हम पहले तो सेंटर लाइन को ही बनाना होता है, ठीक है, ये देखिए अभी आएगा इसमें। तो पहले हमें सेंटर लाइन ही बनानी है, सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाई, ये देखिए इस तरह से सेंटर लाइन बना ली हमने, ठीक है। जब सेंटर लाइन बन गई फिर हम फ्लैंज बी बना रहे हैं, पहले यहां से देखिएगा फ्लैंज बी, इसका 130 का डायमीटर था तो 65 ऊपर 65 ऊपर लेके और फिर 20 20 की विड्थ जो है वो लेके, ठीक है, ये इस तरह से अभी हमने इसमें बेसिकली ये इसको कॉपी कर रहा है, अगर ये जो हम बना रहे हैं इसके अंदर कॉपी हो रही है इसकी बेसिकली, ठीक है, ये इसने कन्वेंशन भी दे दिया यहीं पे। अब ऊपर तो यहाँ पे लाइन दिखाई इसने, ये वाली लाइन तो दिखाई है, नीचे वाली लाइन नहीं दिखा रहा, उसके पीछे रीजन बताओ क्या हो सकता है, बताइए। ये देखिए, ये सेंटर से ऊपर तो ये वर्टिकल लाइन दिखाई है बना के यहाँ पे, लेकिन नीचे नहीं बनाई, क्या रीजन हो सकता है? बताइए जल्दी बताइए, शांत नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन याद है हमें क्या बनाना था? ओके, क्वेश्चन ही भूल गए शायद। फ्रंट व्यू ऑफ फ्लैंज बी शो द अपर हाफ इन सेक्शन, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या ओंकार? आ रही है सर। आप लोग जवाब नहीं दे देना, चलो आप देख लो पहले, इसको देख लेते हैं हम कैसे बन रहा है ये। तो अपर हाफ इन सेक्शन करना है हमें, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये लोअर हाफ इन सेक्शन करेगा। देखिए लोअर हाफ, इन्होंने लोअर हाफ इन सेक्शन किया है, ठीक है, हमें करना था अपर हाफ इन सेक्शन। अब ये जितने भी सर्कल्स हैं इसको ध्यान से देख लीजिए, जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी डायमीटर थे वो वाले सर्कल्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये वाला सर्कल कंप्लीट है, ये वाला सर्कल कंप्लीट है, ये एक्सिस लाइन की तरह सर्कल बनाया है, फिर ये डैश में जा रहा है, क्यों जा रहा है? बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो मेरे लिए तो यूजलेस लग रहा है, मेरे को वीडियो दिखाना आपको यूजलेस लग रहा है अगर आप ये चीजें नहीं बता पाएंगे कि हिडन, ये हिडन लाइन है, हिडन सर्कल है, दिस इज ए हिडन सर्कल। सर ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखा रहा है। सर लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखा रहा है, मैं सर्कल ये डैश 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 क्यों बना रहा है वो जानना चाह रहा हूँ ना सर, क्योंकि वो हिडन हो जाएंगे ना उस साइड वाले। सर इंटरनल डायमीटर है इसलिए।
इंटरनल डायमीटर नहीं है सर, जब इस तरफ से देखोगे आप तो ये वाली चीजें सब हिडन हो जाएंगी, ये जितने भी सर्कल्स हैं सब यहाँ से देखने में हिडन हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको, सिर्फ एक ये मेन सर्कल आपको नजर आएगा ये वाला, बाकी ज्यादातर हिडन हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा ये कंप्लीट हुआ, अब ये जो होल्स हैं चार 10 mm वाले उनको कंप्लीट कर रहे हैं वहां पे, और ये कटिंग प्लेन बनेगा यहाँ पे, ये कटिंग प्लेन बना दिया इन्होंने, लोअर हाफ इंसेक्शन दिखाया है तो लोअर हाफ इंसेक्शन की तरफ से इन्होंने इसको कर दिया। अब ये डायमेंशनिंग हो रही है लीडर लाइन वगैरह बना के, ठीक है, ये लीडर लाइन आपको पता ही है ना। अब ये स्क्वायर हेड पे आ गए हम, जो स्क्वायर बोल्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है स्क्वायर बोल्ट की, हमें फर्स्ट टर्म में स्क्वायर बोल्ट और हेक्सागोनल बोल्ट हमने बनाया था, और क्योंकि इस बार एमसीक्यू था तो बनाया नहीं था, उसकी सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये हमारा इसका स्क्वायर बोल्ट भी तैयार हो गया है, ये देखिए सारी डायमेंशनिंग भी कर दी है ना, और ये इसका साइड व्यू बन रहा है, जब हम राइट हैंड साइड से देखेंगे तो ये कैसा होगा वो बनाया जा रहा है। थ्रेडिंग का कन्वेंशन है ये, एक्सटर्नल थ्रेडिंग का कन्वेंशन हो गया, और ये इस तरह से सिंबल वगैरह। और देखिए अब इसके अंदर एक चीज देखिए आप, कि जो लिखा हुआ है ना, वो कितना अच्छा लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग कितने अच्छे तरीके से उसने डायमेंशनिंग की हुई है, एंड ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट हु स्कोर 99 marks, ठीक है। इसका जो एक नंबर कटा भी था वो एमसीक्यू की वजह से कट गया था, अदरवाइज इसका ड्राइंग में 65 out of 65 आए। तो आप देखिए कि कितनी साफ सफाई के साथ इतने डायग्राम्स बनाए हैं, और जब ये इस तरह की असेंबली या डिसअसेंबली करता था तो इसको मुश्किल से 50 minutes भी नहीं लगते थे, 50 minutes से पहले ही ये कंप्लीट कर देता था सारी ड्राइंग, ठीक है। तो ये हमारा डिसअसेंबली पार्ट है, जो डिसअसेंबली आना है फ्लैंज पाइप जॉइंट का, वो डिसअसेंबली पोर्शन वाला पार्ट इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई कुछ पूछना है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, हम कोई चीज जानना चाह रहे हैं देखो जहां से सेक्शन होगा ना, जहां एक मिनट दो मैं एक बात बता दूं, जहां से सेक्शन होना है ना वहां से ये वर्टिकल लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ से नीचे से ये वर्टिकल लाइन गायब होगी, इसने लोअर हाफ इंसेक्शन किया है इसलिए वर्टिकल लाइन गायब होगी। अब लोअर हाफ इंसेक्शन है इसलिए नीचे की तरफ ये कटिंग प्लेन बना है, इधर मेरे एरो हेड्स पे ध्यान देना बस, ये कटिंग प्लेन इस तरफ बना है लोअर हाफ सेक्शन, अपर हाफ इंसेक्शन होता तो ये कटिंग प्लेन यहाँ आ जाता इस तरह, ठीक है। हाँ पूछो, अब क्या कौन पूछ रहा था सर, वो सेंटर लाइन से सेकंड सर्कल क्यों बनाया है वो बता दो। सेंटर लाइन से सेकंड सर्कल ये वाला, यस सर, ये यहाँ पे देखो आप, ठीक है, ये सबसे बड़ा सर्कल का रेडियस तो ये है, ठीक है, इससे छोटा कौन सा है, 130 से कम वाला कौन सा है इसमें बताओ, ये 100 वाला ही है ना? Yes, sir. ये 100 वाला सर्कल बेसिकली किस चीज को दिखा रहा है, ये जहां पे नट्स लगने हैं या बोल्ट लगने हैं उसकी एक्सिस को दिखा रहा है, सेंटर लाइन को दिखा रहा है,
इसकी सेंटर लाइन को दिखा रहा है जहां पे हमारे बोल्ट और नट को लगाना है, असेंबल करना है, उसकी सेंटर लाइन को दिखा रहा है। तो इसलिए ये वाला सर्कल जो है हमारा लाइक एक्सिस बना है। देखो बड़ा आर्क फिर छोटा आर्क फिर बड़ा आर्क फिर छोटा आर्क फिर बड़ा आर्क छोटा आर्क, ये सेंटर लाइन की तरह बना है, ठीक है। जबकि ये वाले जो सर्कल हैं ये हिडन सर्कल्स बन रहे हैं। देखो ये वाली चीज जो है ना, ये वाला इधर से देखने पर नजर नहीं आएगा, ये जो सर्कल यहां से बनेगा, ये भाई सर्कुलर चीज है ना, ये फ्लैंज जो है वो सर्कुलर है ना, पाइप को फिट करना है ना इसके अंदर। तो ये वाला सर्कल जब हम यहां से देखेंगे तो ये हिडन हो जाएगा, तो हिडन बना दिया। फिर ये वाला भी हिडन है, ये कौन सा सर्कल है, ये वाला है, समझ रहे हो, 50 वाला। ये 70 वाला था पहला हिडन, अब 50 वाला है। और ये जो कॉन्टिन्यूस सर्कल बना वो कौन सा बना, जो ये 40 वाला है, इंटरनल डायमीटर जो है इसका पाइप का, ये हमें क्लियरली नजर आएगा इधर से देखने पे। तो ये वाला सर्कल कॉन्टिन्यूस बना इसके अंदर। तो यहाँ पे हर सर्कल के नंबर होते हैं, ईच एंड एवरी सर्कल हैज इट्स पॉइंट। ये सर्कल बनाओगे तो एक नंबर मिल जाएगा, ये बनाओगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, इसको बनाओगे तो एक, मतलब इस तरह से हर सर्कल के अपने नंबर हैं। वहां पे इवेल्युएटर ने आपके नंबर ऑफ सर्कल्स गिनने हैं, कितने बनाए हैं आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिसअसेंबल करना मुश्किल नहीं है, ये सारी की सारी फिगर तो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ प्रेजेंट है सारी की सारी, ठीक है ना, इसी को ही देख के हमें कॉपी कर देना है। अपर हाफ इन सेक्शन में ये वाली वर्टिकल लाइन नहीं आनी चाहिए थी नीचे की तरफ, यहाँ पे हमें हैचिंग करनी चाहिए थी इस तरफ, लेकिन उसने लोअर हाफ इन सेक्शन कर दिया, कोई बात नहीं, लोअर हाफ कर दिया तो मतलब समझ में आना चाहिए कि कैसे किया हमने, ठीक है। और कुछ पूछना है, ये सिंबल सबको पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन सिंबल स्केल यूज 1:1 लिखना है, ये नीट एंड क्लीन देखो कितना लिखा हुआ है, इसने मुश्किल से 3 mm की पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिया इसको, जितना छोटा करोगे उतनी हैंडराइटिंग साफ आएगी, प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना, तो इस तरह से हम इसका